हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द इंडियन नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन जो जारी हुई है उसके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। जो भी कैंडिडेट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे NTPC या ग्रुप डी का हो गया, तो उसके लिए तैयारी करें रेलवे भर्ती 2019 के लिए, तो उसके लिए रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो चलिए देख लेते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला गया है आप लोगों के लिए। एग्जाम डेट से रिलेटेड है वो नोटिफिकेशन, ठीक है। तो रेलवे के कैंडिडेट है तो जो भी है, तो वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को रेलवे भर्ती की पल पल के अपडेट, साथ ही साथ GK GS करेंट अफेयर और किसी भी जॉब की अपडेट, और साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई की भी अब जानकारी यहाँ से आप लोगों को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि ये नोटिस है वो RRB कोलकाता की वेबसाइट पर जारी की गई है। तो चलिए चलते हैं RRB कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट पर और डाउनलोड करके देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या सब दिया गया है दोस्तों। तो उसके बाद देख सकते हो आप लोग, हम यहाँ पे RRB कोलकाता के वेबसाइट पे यहाँ पे आ चुके हैं। RRB कोलकाता यहाँ पे देख सकते हो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स, और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे 16/9/2019 के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी हो की गई है, जो कि है सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो कॉशन एजेंस फेक रॉन्ग नोटिस और इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इसे डाउनलोड करके देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। चलिए ये देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे अब ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद इस नोटिफिकेशन में चलिए देखते हैं कि क्या इसमें दिया गया है, ठीक है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है RRB कोलकाता के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कोलकाता, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोटिस। तो चलिए इसमें आगे जाने के बाद यहाँ इसमें क्या दिया गया हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, देयर मे बी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नोटिस बीइंग सर्कुलेटेड इन द सोशल मीडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑफ RRBS कैंडिडेट्स, आर एडवाइज टू इग्नोर सच इन्फॉर्मेशन नोटिस। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कोई भी गलत सूचना या कोई गलत नोटिस जो कि है सोशल मीडिया साइट पे बहुत ही सर्कुलेट कर रही है, यहाँ पे बहुत ही वायरल हो रहा है, तो कैंडिडेट जो कैंडिडेट इसके कारण भ्रम में पड़ रहे हैं। तो कैंडिडेट को यहाँ पर RRB सलाह दे रहा है कि ऐसे जो भी नोटिफिकेशन ऐसे आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, तो उस नोटिफिकेशन को आप इग्नोर कर दे, क्योंकि वो सारे फेक नोटिफिकेशन है। आगे दिया गया है, दे आर एडवाइज टू फॉलो ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBS फॉर एनी इन्फॉर्मेशन नोटिस रिगार्डिंग एनी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर दिया गया कि कैंडिडेट जो है सिर्फ वैसे ही यानी RRB के ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो कर, जितना भी 21 जोन का जो वेबसाइट है, 21 जोन का, उसी पर आप लोगों को फॉलो करना है, और 16 RRC, तो उनका दोनों का वेबसाइट पर ही फॉलो करके चलना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो RRB के एनी इन्फॉर्मेशन नोटिस रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, तो अगर इस पर जो जारी की जाती है ऑफिशियल साइट पर, तो उसी पर सिर्फ आप लोगों को विश्वास करना है, अदरवाइज किसी भी फेक और डुप्लीकेट नोटिस पर यहाँ पर विश्वास आप लोगों को नहीं करना है। और यहाँ पे देख सकते जैसे चेयरमैन यहाँ पर RRB का जारी किया है, तो किसी भी फेक नोटिस पर आप लोगों को यहाँ पर विश्वास नहीं करना है, ओनली जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होती है उस पर ही विश्वास करना है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस फेक नोटिफिकेशन के चक्कर में ना पड़े रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आप तक पहुँच सके।